अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। धामपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा नगर में निकाली गई प्रभात फेरी, भारी संख्या में सिख संगत रही शामिल। मुरादाबाद में रामगंगा के घाटों पर गंदगी और गंगा की साफ सफाई को लेकर श्री माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा हटाए गए 110 कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की मांग को लेकर मंडलायुक्त से मिला उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन भी सौंपा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर नगीना में निकाली गई जन जागरूकता रैली, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अफजलगढ़ में भाकियू के ब्लॉक अध्यक्ष दर्शन सिंह फौजी के नेतृत्व में भाकियू कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए जलाई कृषि बिलों की प्रतियां। If freedom is what you want, unzip, unlock, and open up the all-new Thar. Feel the wind in your hair. सिहारा में भी भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया कृषि बिलों का विरोध। ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में कृषि बिलों की प्रतियां जलाई। चंदौसी में धूमधाम से मनाया गया गोदा अम्मा जी का विवाह उत्सव, भारी संख्या में श्रद्धालु रहे शामिल। संभल जनपद के रचपुरा चीनी मिल पर किसानों ने नकली सट्टे द्वारा दलालों से गन्ना खरीदने का लगाया आरोप, जांच कर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के आदेश पर मुरादाबाद में विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में चलाया विद्युत चेकिंग अभियान, बिजली की चोरी भी पकड़ी। संभल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज इलाज से नहीं थे संतुष्ट, उपजिलाधिकारी ने डॉक्टर्स को दिए कड़े निर्देश। बर्ड फ्लू के चलते संभल में सड़क पर गिरे पक्षी को पशु चिकित्सक और विभागीय टीम जांच के लिए अस्पताल लेकर हुई रवाना। सिहारा में 15 जनवरी से शुरू होने वाले राम मंदिर क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा वाहन को किया गया रवाना। मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा हटाए गए 110 कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त से मिला। आपको बता दें कि 10 दिन पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा 110 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा और सभी संविदा कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की मांग की। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जो 110 कर्मचारियों को उपाध्यक्ष द्वारा निकाल दिया गया है सुबह से, उसके खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन में परिषद का समर्थन दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करते हुए और हमारी सेवाएँ कर्मचारी की बहाल करें और यदि नहीं होता तो परिषद इसमें अपना जो है पूरा समर्थन करेगी, आंदोलन में भाग लेगी
और पूरे जिले का पूरे मंडल का जो है कर्मचारी इस पे सड़क पर आएगा। और अभी मंडल आयुक्त साहब से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। शासन ने भी ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि मंडल आयुक्त जो है इसमें हस्तक्षेप करें और इसका निस्तारण कराएं, पदाक्षेप करें। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में श्री माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने रामगंगा के घाटों पर गंदगी और रामगंगा नदी की साफ सफाई को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रामगंगा के घाटों पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था कराने की भी मांग की। सदस्यों का कहना है कि घाटों पर महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसके कारण भक्तों को अत्यधिक निराशा होती है, जिसके कारण घाटों पर साफ सफाई कराई जाए। आज के संबंध में डीएम से मुलाकात। हम लोग शहर मुरादाबाद के जितने भी गंगा घाट हैं, सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य यह है कि इन सारे घाटों की सफाई होनी चाहिए और गंगा की भी सफाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारे शहर के लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे शहर से गंगा होकर निकल रही है और हम लोग बाहर जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो हमें सुविधा यहीं अपने शहर में उपलब्ध होनी चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब सारे घाट साफ सुथरे रहेंगे और गंगा साफ सुथरी रहेगी, हम आचमन कर पाएंगे। इतना स्वच्छ जल होना चाहिए गंगा का कि हम लोग आचमन कर पाए। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। कृषि बिलों के विरोध को लेकर जहां किसान लगातार धरनारत हैं, वहीं किसानों ने एक मीटिंग कर 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार कृषि बिलों की प्रतियां जलाकर मनाने की बात कही थी, जिसके चलते अफजलगढ़ में ब्लॉक अध्यक्ष दर्शन सिंह फौजी के नेतृत्व में भाकियों कार्यकर्ताओं ने जसपुर तिराहे पर एकत्र होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की और कृषि बिलों की प्रतियां जलाई। संगठन के आदेशानुसार और ये जो काले कानून किसान पे जबरदस्ती सौंपे गए हैं, इनकी प्रतियां जलाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, उनका दहन करा है। और किसानों की मांग जो सरकार से C2+50%, MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक C2+50% किसानों की मांग है। इसके अलावा इन कानूनों की सरकार से हमें कोई ना हमने मांगे थे, और जब तक ये वापस नहीं होंगे और C2+50% पे कानून नहीं बनेगा, MSP कंपलसरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, अजबिंदर सिंह, मुख्तियार सिंह, कुलविंदर सिंह सहित भारी संख्या में किसान शामिल रहे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। उधर सिहारा में भी भाकियों के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में किसानों ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए कृषि बिलों की प्रतियां जलाई। चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि सरकार द्वारा बने इस काले कानून की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसको पूर्ण रूप से खत्म करने की मांग भी करते हैं। किसानों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर 26 जनवरी को बड़े आंदोलन की बात कही। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में भी भारी संख्या में पहुंचकर आंदोलन करने की बात कही। देखो, ये जो कृषि काले कानून सरकार लेकर आई है, उसका हमने विरोध किया है और ये प्रतिनिधि जलाई है। ये कृषि के लिए जो काले कानून लेकर आए हैं, इस किसान के लिए एक ऐसा तोहफा सरकार ने दिया है जो इन किसानों को पूंजीपतियों के हाथ थोपना चाहते हैं, उसका भारतीय किसान यूनियन जिस दिन से ये कानून लेकर आए हैं उसी दिन से विरोध कर रहे हैं। और हमारा लगातार दिल्ली आंदोलन चल रहा है, वहां से हाईकमान का आदेश हुआ है तो हम यहां क्षेत्र में आए हैं और किसानों को बड़ी संख्या में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। तो अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको होल्ड पर रख दिया है। लेकिन हम होल्ड पर मानने वाले नहीं है, कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे इनका विरोध जारी रहेगा। इस दौरान रोहित चौहान, गजराम सिंह, ओम प्रकाश जाटव, महेश यादव सहित भारी संख्या में किसान बंधु शामिल रहे। अफजलगढ़ से सुनील नारायण और सुहारा से नंदन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। आयुष्मान मल्टी
स्पेशलिटी हॉस्पिटल हड्डी जोड़ रोग, प्रसूति एवं स्त्री संबंधी समस्त रोगों के इलाज के लिए मिलने वाली विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अब आपके शहर धामपुर में उपलब्ध। आयुष्मान हॉस्पिटल की सुविधाएं 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, जोड़ प्रत्यारोपण, सीआरएम द्वारा फ्रैक्चर सेट करने की सुविधा, दूरबीन द्वारा घुटने संबंधित रोगों की समस्या का इलाज, गठिया एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, मशीन द्वारा पेट में ही बच्चे की धड़कन की जांच, सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी सहित बच्चेदानी के समस्त रोगों का उपचार और ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपति की संपूर्ण जांच एवं इलाज। एमएस ऑर्थोपेडिक गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन डॉक्टर राघव प्रताप सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शिल्पि चौहान, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर राज प्रताप सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर राहुल आहर, त्वचा रोग विशेषज्ञ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चयनित अस्पताल है जहां लाभार्थियों का योजना के नियमानुसार इलाज किया जाता है। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू धामपुर सिटी, निकट आरसम तराहा, सुहारा रोड, धामपुर। फोन नंबर 01344222003। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। नगीना में हिंदू संगठनों ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर नगर में जन जागरूकता रैली निकाली। राम भक्तों ने नारे लगाते हुए भव्य रैली निकाली। रैली हिंदू इंटर कॉलेज से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई कॉलेज पहुंचकर ही संपन्न हुई। इस दौरान रैली में भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि, नीरज बिश्नोई सहित भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से रैली में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। चंदौसी के कैथल गेट स्थित श्री वेणुगोपाल मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोदामा जी का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विवाह महोत्सव के दौरान 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका समापन भी हो गया। महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर और ढोलक की थाप पर पुष्प वर्षा कर जमकर नृत्य भी किया। इस दौरान मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे और धर्म लाभ कमाया। चंदौसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का दावा करने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने नागफनी थाना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के आदेश पर क्षेत्र में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया। क्षेत्र के दीवान का बाजार, मोतीबाग, 84 घंटा मंदिर, नवाबपुरा इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही अधिकारियों ने बिजली की चोरी भी पकड़ी। विद्युत विभाग के अधिकारी गौरव सिंह ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आप कितनी चोरी पकड़ी गई है? अभी तक 3 टेम्पर पकड़े जा चुके हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट थेफ्ट पकड़ी जा चुकी है और एक 126 टैरिफ अनियमित पकड़ी जा चुकी है। बाकी अभियान चल रहा है। अभी ये अधिक लाइन हानिया वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है हमारा। यहाँ पे लाइन हानिया बहुत ही ज्यादा है। पूरे मुरादाबाद शहरों में देखा जाए तो सबसे अधिक लाइन हानिया वाले क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में चिन्हित करते हुए ये हम अभियान चला रहे हैं। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।